नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और इंदौर में होने जा रहा है दाल मिल एसोसिएशन का महाकुंभ। मेरे साथ मौजूद है दाल मिल एसोसिएशन की अखिल भारतीय इकाई के सचिव दिनेश अग्रवाल जी। दिनेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या होने जा रहा है, कब से है आयोजन? सर जी, ये 8, 9, 10 फरवरी को एक महाकुंभ होने जा रहा है लाभ गंगा सेंटर बाईपास पर। इसके अंदर दुनिया भर से आई हुई मशीनरी जो अनाज व्यापार में सारे अनाजों को उत्कृष्ट क्वालिटी का बनाने के लिए एक मल्टी इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटीज प्रदान करने के लिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाने के लिए सारी मशीनरीज प्लस महाकुंभ में 10,000 दाल मिलर्स पूरी इंडिया भर से, वह अनाज के व्यापारी सब लोग आएंगे और अपने बिजनेस को कैसे एक्स्ट्रा क्वालिटी वाला बनाया जाए इसके लिए प्रयास करेंगे। और वहाँ जो मशीनें आ रही है वो कलर सॉर्टेक्स मशीनें, कोई लंदन से है, कोई ब्रिटेन से है, कोई जापान से है, कोई कोरिया से है, कोई इंडिया से है, लगभग ऑल ओवर वर् ल्ड में अनाज से संबंधित लगी सभी मशीनरीज वाले अपना अपना स्टॉल लगा के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें उपलब्ध कराएंगे, जिसपे आदमी उसके रिजल्ट देखेगा। रिजल्ट देखने के बाद नए उद्योग लगेंगे और जो हिंदुस्तान का किसान है उसका माल पूरे वर्ल्ड में जा सके उसके लिए रेडी टू ईट, मतलब सिर्फ ग्रहणी को उसको मतलब बनाना है मसाला डाल के, बाकी पूरी तैयार उसको देखना नहीं कि उसके अंदर हरा दाना है, काला दाना है, कोड़िया दाना है, काला दाना है, दागी दाना, सब हट जाएगा। कितने दिन का महाकुंभ है, कब से शुरू? सर, ये 3 दिन का महाकुंभ है। 8, 9, 10 फरवरी को ये महाकुंभ होगा और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये अनवरत फ्री ऑफ चार्ज पूरे सबके लिए अवेलेबल है। दाल व्यवसाय को और अनाज व्यवसाय को लेकर जो समस्या है उस पर भी इस कुंभ में मंथन होना है। इस कुंभ में लगभग सारे विधायक, सारे मंत्री जो भी आ पाएंगे उन सब मंत्रियों के सामने हम लोग सरकारी, जैसे सरकार हमारे सपोर्ट में है, फिर भी जो दिक्कतें आ रही है कृषि उपज मंडी संबंधित और जो दिक्कतें ट्रांसपोर्टेशन संबंधित, GST संबंधित दिक्कतों को उनके सामने निवेदन करेंगे, उसका उचित हल वो निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे साथ एसोसिएशन से जुड़े हुए जितेंद्र जिंदल जी भी हैं। जितेंद्र जी, क्या समस्या है दाल उद्योग के सामने? दाल उद्योग के सामने समस्या तो काफी समय से चली आ रही है और उन समस्याओं के निदान के लिए हम समय समय पे मंत्रिमंडल से, गवर्नमेंट से मिलते रहते हैं और समस्या का समाधान हम कराते रहते हैं। मेन समस्या हमें जो आती है हमारे मंडी टैक्स शुल्क की आती है, जो कि पूरे इंडिया के अंदर मंडी शुल्क सबसे ज़्यादा हमारे MP के अंदर है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसकी वजह से हम MP के बाहर की जो दाल मिले हैं उनसे हम प्रतिस्पर्धा के अंदर हार जाते हैं और हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो हम इसके लिए हम गवर्नमेंट को बार बार कहते हैं कि इस टैक्स को हटाया जाए जो MP बाहर का हमें लगता है। और गवर्नमेंट ने हमको छूट देते हैं, समय समय पर गवर्नमेंट सुनवाई भी करती है, लेकिन उसको पूरी तरह हटाना। मेरा पूछना ये था दिनेश जी कि कितने व्यापारी आने वाले देश भर से? लगभग 10,000 दाल मिलर्स और 20,000 अनाज व्यापारी, जो कि सीधे सीधे तौर पे काबली चना, आटा, मैदा, रवा, सोया बड़ी और अन्य तरह की दालें, जो 10 तरह की दालें बनती है, तुअर दाल, चना दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, मूंग पॉलिश, सब दालें जो पूरे हिंदुस्तान में प्रोटीन का सबसे बढ़िया जरिया है, गवर्नमेंट प्रोटीन के लिए प्रोवाइड करती है, वो सब लोग अब मिलकर के इस महाकुंभ में, आप इलाहाबाद के महाकुंभ की तरह सब लोग आएंगे, मंथन करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और क्या व्यापार के लिए बढ़िया से बढ़िया हो सकता है उसका प्रयास करेंगे। कोई प्रस्ताव भी पारित करने वाला है इसमें? नहीं, इस पे एक ही प्रस्ताव पारित होगा कि संगठन को मजबूत बना के जो 5% GST नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगाया हुआ है उसको हटवाने के लिए पूरा दाल उद्योग समाज एक साथ मिलकर प्रयास करेगा। आप दोनों का शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।